पहले किडनी प्रत्यारोपण केवल तभी संभव था जब दाता और प्राप्तकर्ता का रक्त समूह संगत हो, लेकिन अब विज्ञान की प्रगति के कारण रक्त समूह बी वाला दाता या इसके विपरीत रक्त समूह वाले लाभार्थियों को किडनी दान कर सकता है। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान डॉक्टर फिरोज अजीज ने दी है। सरस्वती किडनी केयर सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इसे EBO इनकैम्पेटिबल किडनी ट्रांसप्लांट कहा जाता है। इसकी सफलता दर अब रक्त समूह मिलान वाले किडनी प्रत्यारोपण जितनी अच्छी है। दाताओं का आपस में खून का रिश्ता होता है, अन्यथा तकनीकी और चिकित्सीय तौर पर दोनों का मिलन होना चाहिए। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद वह 12 साल से विदेश में सफलतापूर्वक काम कर रही हैं। भारत में यह अलग है, यह लाभार्थी की प्रतिरक्षा प्रणाली पर निर्भर करता है। अक्सर डोनर का इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में डॉक्टर अजीज ने कहा कि HLA टाइपिंग दाता और लाभार्थी के मिलान के लिए एक परीक्षण है। एक्चुअली हम इंडिया में सेकंड टायर सिटीज में एक्चुअली डिसीज डोनर्स होता है, जो अवयवदान होता है आफ्टर ब्रेन डेथ, उसका अवेयरनेस अभी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। एंड काफ़ी अवयवदान इंक्रीज हुआ है गया 2-3 साल में, स्पेशली आफ्टर कोविड। उसमें क्या है, ट्रांसप्लांट एक ऐसा अवयवदान के बैकग्राउंड में ट्रांसप्लांट का डायनामिक्स टोटली डिफरेंट होता है। उसमें मैचिंग टेस्ट करना एक स्ट्रैटेजी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो थोड़ा चैलेंजिंग होता है। तो आज के ज़माने में जो ट्रांसप्लांट इंक्रीज होने के हिसाब से उसका आउटकम इम्प्रूव करना है। ओके, ये आउटकम इम्प्रूव करने के लिए अमुक वस्तु एक साथ जोड़ना चाहिए। एक तो अच्छा मैचिंग होना चाहिए, दवा का एक कंप्लेंस बोलता है पेशेंट्स, उसका इम्पोर्टेंस मिलकर दवा बराबर लेना चाहिए, उसका ऑपरेशन और बाकी दवाएं उनको अफोर्ड करना, एक्सेसिबल करना चाहिए। उसके लिए काफ़ी गवर्नमेंट प्रयत्न करना है, उसको फॉलोअप इसी करना चाहिए। सो ये सब ये ट्रांसप्लांट इंक्रीज होने के हिसाब से ये भी जोड़े तो ही इसका आउटकम अच्छा आएगा। उसके रिजल्ट आने के लिए 5-10 साल तो लगेगा ही, लेकिन अमुक स्टेट्स में जैसे गुजरात है, तमिलनाडु है, तेलंगाना, काफ़ी काम किया इसमें एंड वो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। कहा गया है कि अन्य परीक्षा सरस्वती किडनी केयर सेंटर की प्रयोगशाला में उपलब्ध है। प्रेस वार्ता में डॉक्टर मनीष बलवानी एवं डॉक्टर अमित पसारी उपस्थित थे। NBCN न्यूज के लिए राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।